कैसी बच्चकूनी की बातें कर रही हैं? बारात क्यों नहीं लेकर आई हैं आप? बारात भी आ जाएगी, पहले उस लड़के को आने दे जिसने मुझे फोन किया था। सारी बातें पहले क्लियर हो जाए फिर बारात भी आएगी और निकाह भी हो जाएगा। पता नहीं कौन नासपीटा है जिसने आपको कॉल कर दी है। मेरी बच्ची ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, आलिया से जलने वाले बहुत हैं। आप लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए, आप जाइए बारात लाइए, निकाह करवाइए और रुखसत करा के ले जाइए मेरी बच्ची को। कोई बारात नहीं आएगी। कोई निकाह नहीं होगा यहाँ पे, मैं देखता हूँ कैसे होती है शादी। तो साहिद की आवाज है। क्या मतलब है कि निकाह नहीं होगा, रुखसत ही नहीं होगी? ये तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि निकाह नहीं होगा? ये तो वही लड़का है ना, नायला का भाई, जिसका रिश्ता हम लोगों ने तुमने हमें फोन किया था। जी मैं वही हूँ नायला का भाई, जिसकी बारात लाने से आप लोगों ने मना कर दिया था, जिसको जलील और रुस्वा करवाया आप लोगों ने, और मैंने ही कॉल की थी आपको। मगर क्यों? अरे रहने दो, इसकी तो पहले ही मोहल्ले में कोई इज्जत नहीं है, सब जानते हैं इसकी माँ और बहन के किरदार को। ठीक है, मेरी माँ और बहन का किरदार खराब है, बुरी है वो, लेकिन आलिया किरदार कौन सा अच्छा है? खबरदार जाहिद मियां, जो अपनी गंदी जबान से मेरी बच्ची के बारे में एक लफ्ज भी निकाला तो। क्यों? जब भी फातिमा से फोन करा के तो मेरी बहन की शादी रुकवा सकती हो, तो मैं लोगों को सच्चाई क्यों नहीं बता सकता? फातिमा भी अंदर आओ, आइए, डरे मत और सबको बता दे कि सच्चाई क्या है। जाहिद चुप करो, ये क्या ज्यादती है? ये औरतों का मामला है, तुम जाओ यहां से। मैं ज्यादती कर रहा और ये लोग, मैं मर्द हूं तो सब सह लूंगा, ये औरत है तो उनको सब माफ। अच्छा अच्छा, मैंने बताया था लेकिन आप लोगों की भलाई के लिए बताया था। मैंने रिश्ता करवाने में थोड़ी सी भूल चूक हो गई, अच्छी तरह से तसल्ली नहीं कर सकी थी। इसकी माँ के किरदार के बारे में मुझे मालूम था, लेकिन फिर मैंने सोचा इसकी बहन मासूम नायला है, उस बच्ची का क्या कसूर है, इसलिए रिश्ता करवा दिया। बाद में जब पता चला कि नायला के शकूर के साथ चक्कर चल रहा है, तो मैंने अपना फर्ज समझा कि मैं आप लोगों को बता दूं और आप माँ बेटी को इसकी बहन के चुंगल से बचा लूं। अच्छा, अगर नायला का चक्कर शकूर के साथ था तो जबरदस्ती उसकी शादी विकी के साथ क्यों कराई, ये जानते हुए कि विकी का चक्कर आलिया के साथ है, तुम्हारी बेटी के साथ। जाहिद क्या बकवास किए जा रहे हो, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो विकी की दुकान पे कौन जाता था, उसके साथ वो तस्वीरें किसने खिंचवाई है, और इस सबूत के तौर पर मेरे पास ये तस्वीर मौजूद है। ये भी देखें। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, और अगर फिर भी आप लोगों ने इस घर में रिश्ता करना है तो शौक से करें। जिस तरह इन्होंने अपना फर्ज समझ के मेरी बहन की शादी रुकवाई ना, उसी तरह मेरा फर्ज है कि आप सबको सच्चाई बता दें। जाहिद झूठ मत बोलो। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बताओ तुम किसी और से मोहब्बत नहीं करती थी? हाँ करती थी मैं किसी और से मोहब्बत, मगर विकी से नहीं, तुमसे। तुमसे करती थी मैं मोहब्बत, आज भी करती। ये क्या बोल रही है तू आलिया, क्या औलफोल बक रही है तू? ऐसी गहरी बच्ची का दिमाग फिर गया है? चलो खुदा का वास्ता रुक जाइए, फिर बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये तो आपको उस वक्त सोचना चाहिए था ना, जब आप हमें धोखा दे रही थी। चलो बेटा आ जाओ। बेटा मेरी बात सुनो। अरे सुनो,